गाइस आप सब लोगों का जय श्री वंडरलैंड में स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते थे सब लोग बड़े होंगे। और आज है बुधवार और आज का व्लॉग हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 11 और मम्मी इधर काम कर रही है। हाय, स्कूल खोलने वाली है इसलिए मम्मी है ना थोड़ा बच्चों को काम जो है वो ऐसे फास्ट फास्ट वाला वो क्लीनिंग होती है ना वो मम्मी कर रहे हैं कि डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि स्कूल है वो खोलने में सिर्फ आई थिंक 15 दिन 1 वीक ही बाकी है तो इसलिए मम्मी कर रहे हैं। फिर स्कूल होने के बाद फिर संडे ये सब अच्छे से क्लीनिंग वैसे तो हर रोज़ करते हैं फिर भी वो जल्दी जल्दी करते हैं ना और फिर अच्छे से सफाई करने के लिए संडे मिलता है इसलिए मम्मी स्कूल खोलने के पहले ये सब सफाई कर रहे हैं। तो मम्मी ने जो है वो सफाई कर दी और अब वो अंदर कर रहे हैं और वैसे नॉर्मल काम हमारा हो चुका है ये मम्मी एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्यों नहीं तो ब्लॉग पर बने रहिए मूड आना चाहिए। और हाँ कुछ चेंज हुआ है तो देखो इधर जो है वो बेड नहीं था पहले था फिर निकल गया था और फिर से अब ये जो है बेड है वो अंदर से बाहर आ चुका है और फिर जो है अंदर कुछ फिर से चेंजेस हुआ है। अंदर मैं लाइक कर देती हूँ एक दो मिनट। तो इधर जो है वो मेरा जो बाहर जो है वो ये इधर था फिर वो बाहर थे वो इधर था तो ये जो स्टडी टेबल था वो अंदर था तो इधर आ चुका है स्टडी टेबल मेरा। तो देख लीजिए ऐसे सिंपल सा सजाया हुआ है और फिर वैसे का ही है तो वो आएगी तो कुछ ये सब वो जो है वो थोड़े से पीछे चल जाएंगे और वो सब आगे आ जाएंगे तो ऐसा रहेगा। मम्मी ने ये क्लीन किया है तो मम्मी वॉल फिर ये जो आपको शोकेस दिख रहा है वो सब ना क्लीन किया है। पापा सो रहे और हम लोगों को इतना बड़े बड़े किया हम लोगों को डांट रहे हैं। और मैंने आज बनाया था दाल चावल और आलू की सब्जी और ये जो जिसका चैनल है ना उसने शूट ही नहीं किया वो में देखते हैं ना ये सब और इसका देखो सब उसमें देख करके मेरे पास नहीं है वरना मैं भी करती हूँ। आपने क्यों दिखाया नहीं कैसा बना था? अच्छे मुझे नहीं पसंद अपन बहुत बड़े करेंगे पानी सामान बहुत सारे होते हैं वो चूड़ वाली लोगों पे इतने वो सामान में क्या होते है पता नहीं थोड़े से पानी कम हो तो अच्छे अच्छे तो सीख गया चलता है जैसा बना वैसा खा लिया पापा ऐसे मार देंगे हमको। तो मार्केट में गए थे तो मेरा जो है यूनिफॉर्म लेने के लिए हम गए थे तो यूनिफॉर्म के लिए जो कापड़ वगैरह होता है ना वो दुकान पर हम लेने के लिए गए थे फैब्रिक लेने के लिए। और स्कूल वैसे ओपन होने वाली है और इधर पापा को कुछ इधर से लेना था तो वो लिया था। और ये जो है वो सब्जी मंडी है इधर से बाजार सब्जी अच्छी अच्छी मिलती है। और फिर हम सोडा पीने गए थे क्योंकि गर्मी इतनी थी तो सोडा पीने का मन हुआ तो सोडा पिया। और फिर हम चल रहे जा रहे हैं घर पर तो ज़्यादा सूट करना था पर सूट करना भूल गए। और इस साइड में जो है वो स्कूल है और मेन प्रॉब्लम वही हुई कि है ना मम्मी का जो मोबाइल है वो घर पर रह गया फिर पापा के मोबाइल में शूट किया सब। तो जो हम घर पर सोच कर आए थे वो कुछ तो हुआ नहीं क्योंकि मुझे आपको है ना मार्केट दिखानी थी। और आज जो है वो फ्राइडे है इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फ्राइडे को जो है बाज़ार ज़्यादा होती है इसलिए है ना फ्राइडे को इतने सारे लोग होते हैं। और इतने गर्मी में भी मतलब गर्मी तो इतनी है भाई साहब कि पूछो ही मत। इतना जो देखो रात रात हो चुका है फिर भी गर्मी हो रही है। तो फिर हम अपना जो यूनिफॉर्म वगैरह लेना था और यूनिफॉर्म का माप वगैरह देकर तो स्कूल ओपन हो तो यूनिफॉर्म आ जाए इसलिए पहले दे दिया। और अभी तो दो तीन वीक एक ही वीक होगा एक दो वीक तो जाएंगे हम नए स्कूल में नए फ्रेंड्स के साथ तो बस ऐसे ही। और अभी हम जा रहे हैं घर पर। तो अभी जो कितना प्रीवियस व्लॉग है ये और कब हो रहा है तो अभी हम
अभी मतलब कितना 2-3 घंटे तो हो चुके होंगे, हम बाजार से आ गए हैं और मम्मी इधर बना रहे हैं डिनर। अभी मैं लंच बोलने वाली थी, डिनर बना रहे हैं और डिनर में सिंपल सा बना रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है, ऊपर पंखा चलता है फिर भी इतनी गर्मी लगती है। और आज उधर पंखा स्टार्ट नहीं किया, मैं पंखा देख कर मुझे याद आया कि पंखा आज किया ही नहीं, क्योंकि दिया बत्ती करते हैं ना तो वो दिया हो जाता है ना, इसलिए पंखा बंद रखते हैं फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर पूरा दिन पंखा चलता है और इधर पापा आ चुके हैं और इतनी गर्मी है कि पूछे ही मान, पंखा हो तो भी गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा इधर टेम्परेचर में है। और हमारा जूनागढ़ इतना तप रहा है, मतलब पूछो मत आपके यहाँ कितनी गर्मी है जरूर बताना। तो चलो लंच टाइम में लंच क्या डिनर टाइम में मिलते हैं कि क्या बनाया है। गाइस अभी हम डिनर करने के लिए बैठ चुके हैं और आज ना टीवी नहीं है क्योंकि टीवी का रिचार्ज है वो ख़त्म हो चुका है और हमको पता भी नहीं था, तो अभी वो टीवी का रिचार्ज कब होगा वो तो देखा जाएगा। और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, फिर टीवी ऐसे ही बंद रहेगा स्कूल ओपन होने के बाद, किसी को टाइम नहीं मिलेगा इसको देखने के लिए। तो आपको डिनर दिखा देती हूँ, तो डिनर में है आलू बैंगन की सब्जी, फिर इस टिंडोड़ा की भुर्जी, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, और रोटी। और इधर मम्मी खाने के लिए बैठ चुके हैं और हम मैंने खाना नहीं खाया और ये दोनों ने स्टार्ट भी कर लिया। मैं इतनी ब्लू